सेकेंड फेब को CDS का एग्जाम है। सो माई फ्यूचर सोल्जर्स आर यू रेडी? द वेरी फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब इन डिफेंस इज टू क्रैक द रिटन एग्जाम। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा और डिफेंस डॉट 24/7 आपके लिए लेके आया है कंप्लीट बैच ऑफ CDS, दैट इज ऑपरेशन CDS 1 2020। और इसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, और अगर आपसे कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलेंगे 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब CDS की तैयारी है अड्डा 24/7 की जिम्मेदारी। जय हिंद डिफेंस पैरेंट, मैं जीवेश कुमार आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अंडर 24 पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम करते हैं रोज 8 बजे CDS की प्रिपरेशन। तो सभी का वेलकम है। देखे कौन कौन है, बादल सिंह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो करेंगे हम, आज जो हम डिस्कस करें इसके नीचे, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आपका फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। फिजिक्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये साइंस का सेक्शन है और साइंस के सेक्शन से हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस एक आधुनिक एक मॉडर्न एज का है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो इससे पहले आपको मैं बता दूँ, कल 11 बजे अड्डा 24/7 को ज़रूर देखिएगा। कल 11 बजे अड्डा 24/7 पे एक बहुत ही बड़ा बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो उसे ज़रूर वॉच करेगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी का देव पात्र पलित जय हिंद, सौरभ तिवारी जय हिंद, क्या हाल है सर, अब तबीयत ठीक है? ओके, पीके जट जय हिंद आपको, निशांत पांडे जय हिंद, सिया पांडे जय हिंद। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा एक समय लगेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही आने वाला है। इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ डिफेंस अड्डा का स्पेशल बैच भी चल रहा है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराता हूँ, कंसेप्ट भी कराता हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ स्पेशल बैच चल रहा है उसमें जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली स्क्रीन लगा दीजिएगा ज़रा सर, पहली स्क्रीन, तो ये देखिएगा बिग अनाउंसमेंट कल 17 दिसंबर को 11 बजे, इसे आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था बैच की, तो इसमें देखिए इसमें मैं भी हूँ, साथ में VD सर है और गोपाल सर है। तो इसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट इसमें आपके कवर्ड किए जाएंगे। 130 घंटे से अधिक की आपकी क्लास होगी, 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कराया जाएगा। अगर आपसे कोई लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, अगर आपसे लाइव क्लास कोई मिस भी हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख पाएंगे। ओके, आप क्या देख पाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन। इसमें मैं आपको कंसेप्ट के साथ, इसमें मैं आपको कंसेप्ट अपुच क्वेश्चन सब बताऊंगा और सभी लेक्चर्स की आपको PDF मिलेगी, आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। एक मिनट मेरे को जरा स्क्रीन से हटा दीजिएगा सर। इसमें देखिए इसमें जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की है, थोड़ा ये नीचे जो लिखा हुआ है उसे मैं हटा दीजिएगा, टाइमिंग दिख जाएगी बच्चों को। देखिएगा 2:30 से 5:30 को शाम, और ये 27 दिसंबर से बैच शुरू होएगा, 27 दिसंबर से बैच शुरू होएगा, और इसमें आपको रोज़ 3 घंटे की क्लास मिलेगी। ओके, तो आपको आगे करना क्या है, जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, U191 ध्यान रखिएगा। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम जीवेश कुमार है, मैंने CPF जो सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स UPSC लेती है, CGL SSC CGS CHSL UPPCS और उत्तराखंड PCS, ये सारे एग्जाम्स को मैंने क्लियर करा हुआ है, तो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट दी जनरल स्टडीज़। ओके, स्पेशली अगर UPSC की बात करें, तो अगर ये आपको कोर्स परचेज करना है तो आपको कहाँ से परचेज करना होगा, store@adda.247 पे आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आप ये U191 कोड कूपन कोड, ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सर मेरे को स्क्रीन पे ले आएगा दूसरी साइड जरा। ओके, अब बात करें क्वेश्चंस की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं हमेशा क्वेश्चन इंग्लिश में लाता हूँ, हिंदी में क्यों नहीं लाता, क्योंकि कोई भी डिफेंस सर्विसेज हो उसमें इंग्लिश में ही ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। ओके,
जो आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किस पे होते हैं, मेनली इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। और डिफेंस फोर्सेस में आपको अगर आर्मी नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर बनना है तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें हम EMW बोलते हैं। तो जो EMW होती है ना, इनके बारे में मैं बताऊँ आपको, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो पहला ये तो करेक्ट हो गया। ये ना वेव जो होती हैं, वेव दो टाइप की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, नॉन मैकेनिकल वेव, जो मैकेनिकल वेव होती है दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी वो एक ट्रैवल करने के लिए ना एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साउंड, अगर वैक्यूम होगा तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा, साउंड वेव है ना आखिर। तो ये, और EMW क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं। तो ये अभी आपका सही हो गया। अब आपका बचा केवल ऑप्शन नंबर ए। ये लाइट की तरह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को नहीं शो करते, ये लाइट की तरह इंटरेक्शन। दर्शन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ओके उमेश पूनिया जी, वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज, हु इज इन्वेंटेड बाय जेरियस जेंसन, हु इज इन्वेंटेड बाय जेरियस जेंसन। तो जेरियस जेंसन ने आपका किसका इन्वेंशन करा था? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करा था। किसका इन्वेंशन करा था? माइक्रोस्कोप। यहाँ है रेडियन लिखा हुआ है, कई बार रेडियन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। रेडियन का जो आविष्कार है ये करा था मैडम क्यूरी ने। ओके, क्यूरी ने करा था, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार करा था, ध्यान रखिएगा। और जेरियस जेंसन ने किसका आविष्कार करा था? माइक्रोस्कोप का करा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट लिखते रहिएगा। सुपर कूलिंग इज अ कूलिंग ऑफ लिक्विड, सुपर कूलिंग इज कूलिंग ऑफ लिक्विड, यानी जो ठंडा करना है वो क्या होता है? तो अगर किसी तरल को हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, उसके जो जमने का पॉइंट है, जैसे वाटर का 0°C, उससे नीचे भी हम उसे ठंडा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सुपर कूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूलिंग, नहीं मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उसे सुपर कूलिंग बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्सटेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सेक्सटेंट का यूज़ किस में होता है? तो सागर में जो हम डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान लेते हैं वो किसकी वजह से लेते हैं? सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेविगेशन। उसी का आंसर क्या होगा? जी सौरभ तिवारी, आपने बिल्कुल सही बताया। जी RPR, जय हिंद। यस, इफ यू आर न्यू, आपको अडेप्ट कर लोगे सिचुएशन को, डोंट वरी। ओके, सेक्सटेंट क्या होता है? जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस में यूज होता है? शिप्स में यूज होता है। किस लिए? नेविगेशन के लिए। ओके, शिप्स में यानी नौकावान में डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक आपको मैं बताता हूँ, सरबत इज्जत और इकबाल, ये इंडिया की अटलरी यानी जो हमारा तोपखाना है उसका आदर्श वाक्य है। अब देखो अटलरी में क्या होता है, ऐसे गोला फेंका जाता है, ठीक है, बीच माउंटेन, अगर यहाँ पे टारगेट हिट करना है तो वो इस तरीके से फेंका जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो उसके हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेंस द सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेंस द सेम, क्योंकि इस एरिया में जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है? सेम रहेगी। जी हाँ, आज की इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई। ओके, क्लास टाइमिंग मैं बता दूँ, सुबह 11:10 बजे से आपका 1 बजे तक आपका चलता है, FCAT की प्रिपरेशन चलती है। ओके, जिसमें मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है, 10 AM से लेके 1 PM तक, और शाम को 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक किसकी क्लास होती है? CDS के लिए होती है। इसमें पहले होती है आपकी इंग्लिश की सुबह शाम को 6 बजे, फिर होती है मैथ की 7 बजे, और फिर 8 बजे किसकी होती है? GS की क्लास होती है। ओके, इसमें हम जो भी ये जो सेशन होता है इसमें मैं आपको सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको डील कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। GPK, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। यह दी यूनिट
ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। अगर आप CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो उनमें इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, क्योंकि साइंस में UPSC CDS के एग्जाम में कोई स्टेटमेंट वाइज कमी पूछता है, सारी क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस ये क्या होता है, आपका डेसिबल होता है। हर्ट से हम क्या यूज करते हैं, क्या मेजर करता है, फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। किसको मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिल्टरिंग ऑफ एयर बबल राइज थ्रू द वाटर, इसका आंसर क्या होगा, चलिए दे दिए, आपको भी थोड़ा मैं टाइम देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ओके आरपीआर, आज तो आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी, कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी सुबह 10 से 11 FCAT के लिए और शाम को 6 से 7। ओके ओके, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिल्टरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके जी निशांत पांडे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा कभी भी क्वेश्चन आए कि मिराज, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं, रेनबो, रेनबो ये किस वजह से होता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण हमारा क्या होता है, कलर ऑफ स्काई ब्लू है। ठीक है, कभी क्वेश्चन है कि आसमान क्यों नीला दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमें आभासी गहराई का पता होता है, जैसे पानी में हम देखते हैं कि मछली, हमें लगता है कि ऊपर तैर रही है लेकिन वो काफ़ी गहराई में तैर रही होती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ए ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय, G7 का आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, सौरभ तिवारी, निशांत पांडे, उमेश पूनिया, बिल्कुल सही। और ये मैं जानबूझ के इंग्लिश में लाता हूँ क्वेश्चन, इस कारण नहीं कि मेरे को हिंदी में कोई दिक्कत होती है, मैं इस वजह से लाता हूँ क्योंकि बीइंग ए ऑफिसर और CDS या FCAT किसी में भी आप जाएंगे, इंग्लिश को आपको प्राइम फेसी रखना होगा, क्योंकि एक ऑफिसर के साथ कोई इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसी वजह से मैं जानबूझ के इंग्लिश में लाता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं हिंदी में भी ला सकता हूँ। ओके, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है तो वो भी आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है, वो भी किस किस कारण से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके ओके, कोई बात नहीं पीके, आई अंडरस्टैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो विजिबल रे, गामा रे, एक्स रे, या UVW, यानी जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। अगर मैं आपको EMW का स्पेक्ट्रम बताऊँ, EMW का स्पेक्ट्रम बताऊं, तो सबसे पहले आती है गामा रेज, अभी एक मिनट सुन लेना, गामा रेज, उसके बाद आती है एक्स रेज। ओके, एक्स रेज के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो फिर आती है यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आती है आपकी विजिबल राइट, जिसे हम विजिबल रेडिएशन भी बोलते हैं, विजिबल राइट। अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंक्रीज होती है। ओके, ये नंबर वन, ये बिल्कुल सही है, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, और ऐसे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, गामा रेज की होगी। गामा रेज जो है इनका आविष्कार करा था हेनरी बेक्यूरल ने, हेनरी बेक्यूरल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी बेक्यूरल, और इस हेनरी बेक्यूरल ने ही रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। ओके, इस हेनरी बेक्यूरल ने ही रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी थी। प्रदीप, जय हिंद भाई। एस कृष्णवंशी, अभी इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है सर, मैं आपको ज़रूर बता देता नहीं तो। ओके चलिए अगले बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैं बता दूं आपको, इंफ्रारेड वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेडियो वेव्स, चाहे वो शॉर्ट रेडियो वेव्स हो, चाहे वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हो। ओके, ये
क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको आप ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे लाइट है ना, लाइट भी आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, लेकिन फिर भी अर्थ सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है। वो किस फॉर्म में पहुंचती है, किस रूप में पहुंचती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचती है। ओके जी जी समझ रहा हूं मैं आपकी बात। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड रे इसका आंसर हो जाएगा। ओके और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ सेशन को जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करेगा। जो बच्चे बाद में जुड़े उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है CDS की, तो हमने एक बैच लॉन्च किया है CDS 2020। इसमें गारंटेड सिलेक्शन का दावा है। आप इसमें देखिएगा, बैच 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, 3 घंटे की क्लास है। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट कराए जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स। 130 घंटे से अधिक की आपकी लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आप हमसे बातचीत भी कर सकेंगे क्लास पढ़ते हुए, जैसे क्लास में क्वेश्चंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ओके और अगर आपसे बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है, तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। इसमें हम कंसेप्ट, मेरे को एक बार स्क्रीन से हटा दीजिएगा सर एक बार, इसमें आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। टॉपिक पूरा एक स्टडी प्लान है, आप अड्डा के स्टोर पर जाके पूरा इसका स्टडी प्लान भी देख सकते हैं। आपको पता होगा आपकी कब कौन सी क्लास हो रही है, और सभी लेक्चर्स का आपको PDF मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जनरल स्टडीज़ के लिए। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइएगा, आप इसे पहले देख लीजिएगा, इसका स्टडी प्लान देख लीजिएगा। कहाँ पर देखिएगा, आप स्टोर अड्डा पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च बार में CDS डालिएगा, आपको इमेज आ जाएगी और उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ पर क्या देखिएगा, इसका स्टडी प्लान देखिएगा कि कब आपकी कौन सी क्लास है, और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जो भी उसका इसका प्राइस होगा, उस पर आप अगर ये कोड यूज़ करेंगे U191, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम है जीवेश कुमार, मैंने CPF का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, CGL का भी, CHSL का भी, UPSC का भी और UKPCS का भी। तो इस तरीके से आपके साथ हम जुड़ेंगे, तो बिल्कुल अगर आपको इच्छा हो तो बिल्कुल करिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए दो तरीके की यूनिट्स होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। हिंदी में स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। स्केलर वो होती है जिन्हें हम केवल मेजर कर सकते हैं, केवल माप सकते हैं। स्केलर क्या होती है, जिन्हें हम केवल मेजर कर सकते हैं, केवल माप सकते हैं। और वेक्टर क्या होती है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, दिशा का भी ज्ञान ले सकते हैं। किसका भी ले सकते हैं, दिशा का भी ज्ञान ले सकते हैं। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ स्पीड, क्या होगा इसका आंसर जरा बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि UPSC में केवल 9th क्लास तक का ही पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर होगा विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ओके जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर बताया, B इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, सदिश राशि है। तो देखिए, टाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, टाइम को हम केवल मेजर कर सकते हैं, टाइम से कभी कोई डायरेक्शन तो पता नहीं लगेगी। हीट को भी हम केवल मेजर कर सकते हैं, हीट से भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और कार्य यानी वर्क, इसे भी हम केवल मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। आपको अगर आंसर नहीं पता होगा ना, तो एक तरीका होता है कि ऑप्शन आउट करना, यानी जोन सा इसका आंसर नहीं होगा, इस तरीके से भी हम आंसर को सर्च कर सकते हैं। तो जब आप लेक्चर्स को देखेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, आपका ये सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल शीशे की तरह। हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन, वाटर टर्बाइन का आविष्कार किसने करा था, हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन। तो ध्यान रखिएगा, बेनेट फ्योरेन ने वाटर टर्बाइन का आविष्कार करा था। किसका आविष्कार करा था, वाटर टर्बाइन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके यानी पहले काइनेटिक डैम में पानी रिजर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी, डैम में से पानी छोड़ा जाता है, काइनेटिक एनर्जी से
टर्बाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बेनेट फ्योरेन ने किसका आविष्कार करा था? वाटर टर्बाइन। यहाँ पे आप एक देख रहे हो, एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिसका नाम है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने क्या करा था, 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार करा था। न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। किसका आविष्कार किया था? न्यूक्लियर रिएक्टर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑफ ए वेव इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी पर यूनिट एरिया आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। डैश ऑफ ए वेव इज द रेट ऑफ ट्रांसफर पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स ट्रेवल, यानी उसका रेट ऑफ ट्रांसफर। अगर तेज बोला जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिटी। क्या होता है? इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी, यानी प्रबलता। इसे इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रबलता, यानी वो कितनी अधिक शक्तिशाली है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल साइंस डे, ये तो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर बताता है। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। और प्लीज इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और आपके कमेंट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर बड़े ही आसानी से आप दे देंगे। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ओके, चलिए बताइएगा इसका, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ओके, बी, जी बिल्कुल ठीक, वैलेंटाइन डे के 14 दिन बाद क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ऐसे में हमेशा मैंने याद करा हुआ था अपने टाइम पे। ओके, नेशनल साइंस डे क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने जो होता ना प्रकाश विखंडन, ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको इन्वेंट करा था, इस कंसेप्ट को बताया था कि अगर प्रिज्म से एक वाइट लाइट को पास किया जाए, गुजारा जाए, तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आपका 28 फरवरी को। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज। तो जब हम लेक्चर कराते हैं उसमें एक मेरा अलग से एक कोर्स पैटर्न है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम के साथ लिखवाता हूँ। अब वो इस 45 मिनट्स की क्लास में इतना सारा नहीं करा पाता, इसी वजह से आपको मैंने आज वो आपके अपने जो हमने CDS का बैच लॉन्च कराया उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, अल्फ्रेड नोबल ने पता किसका आविष्कार करा था? डायनामाइट। डायनामाइट को हम TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलिन भी बोलते हैं। डायनामाइट को हम क्या बोलते हैं? TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलिन भी बोलते हैं। तो अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल्स ऑफ द इंजन। ओके, तो देखिएगा, ये जो होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, जो पेट्रोल होता है वो तो -115 डिग्री पे जाके जमता है, लेकिन जो आपका डीजल होता है ना वो 0 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर होता है ना तब जम जाता है। अब जितनी भी हमारी भारतीय सेना है वो अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो जितनी भी गाड़ियाँ जो आर्मी यूज़ करती है ना वो डीजल ऑपरेटेड होती है, चाहे वो ट्रक हो अशोक लेलैंड के या टाटा मोटर्स के, चाहे वो सफारी हो। तो उसको क्या करें, और मोबिल ऑयल जो होता है वो भी जम जाता है, तो इस वजह से वो जमे ना। तो एंटी फ्रीज के तौर पर किसका यूज़ करता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, नहीं मेथनॉल का यूज़ नहीं करते, RPR, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज, और ये काफ़ी जहरीला होता है, ध्यान बता दें आपको। अगला, व्हाट गैस आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, कौन सी गैस आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है? तो जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो दो प्रकार की होती है, येलो एक वाइट, तो उसमें दोनों तरीके के होते हैं, मरकरी और नियॉन। कौन कौन सी गैस होती है? मरकरी और नियॉन गैस होती है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ओके, और इससे भी अच्छा कराऊंगा। अगली बार अगर किसी को हिंदी में चाहिएगा तो बिल्कुल बता देना, मैं जानबूझ के नहीं लाता हूँ, क्योंकि जो आपका SSP होगा, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वैसे एग्ज़ाम बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होने के कारण मेरिट में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। फुल फॉर्म ऑफ CFL, ये तो आप सभी जानते हैं, आजकल तो CFL भी चला गया, LED का ज़माना आ गया, लाइट एमिटेटिंग डायोड का आ गया। CFL का होता है फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्या बोला जाता है इसे? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। जी प्रदीप, सौरभ तिवारी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अरे एक बात बताओ, आज क्या दिन है?
ये तो मैं भूल ही गया, आर्मी की इतनी बात कर रहे हैं, आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े कारनामे को हम कैसे भूल सकते हैं। आज क्या दिन है? हाँ भाई, आरपीआर सोनू कुमार, सौरभ तिवारी, रॉ एजेंट, आज दिन क्या है? आज कोई खास दिन है, कोई विशेष दिन है आज, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर सोनू कुमार ए है, बिल्कुल। आज आपको एक मैं बात बताता हूँ, आज है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1971 को भारत की भारतीय सेना ने, यानी इंडियन आर्मी ने, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जेओसी ईस्टर्न कमांड, उनके लीडरशिप में 93 पाकिस्तानी सोल्जर से सरेंडर कराया था, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराया। अगर आपको मैं बताऊं थोड़ा सा हिस्ट्री में, 3 दिसंबर 1971 में क्या होता, पाकिस्तान ने हम पे अटैक करा था, लेकिन प्रिपरेशन हम पिछले एक साल से कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान सेना ने वहाँ चला रखा था ऑपरेशन सर्च लाइट, जो कौन करवा रहा था, वो करवा रहा था जनरल टिक्का खान। उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल 3 लाख लोगों को मार दिया गया और न जाने कितनी औरतों के साथ रेप के इंसिडेंट हुए, तो रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगे, इंडिया पर प्रेशर बनने लगा, तो इंडिया अपनी प्रिपरेशन करने में लग गया। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने आगरा, जैसलमेर, पठानकोट, उत्तरलाई, यहाँ पे क्या करा, बॉम्ब गिराया। हमने पहले से ही अपने एयरक्राफ्ट को सेव करके रखा हुआ था, ओके, पहले से ही अपने एयरक्राफ्ट को सेव करके रखा हुआ। उसी दिन शाम को हमने जो रिप्लाई करा, उनकी एयरफोर्स पहले दिन ही ख़त्म हो गई थी, उनकी एयरफोर्स पहले दिन ही ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि उनके रनवे हमने तोड़ देते। तो और इसी बीच इंडियन नेवी, 4 दिसंबर को नेवी डे इसीलिए मनाया जाता है, आपको देखो वीडी सर ने बताया था, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने चलाया था ऑपरेशन टॉर्नेडो, और हमने जाके पूरा कराची का बंदरगाह उड़ा दिया था, क्योंकि वहाँ पे उनका तेल रखा हुआ था, और पाकिस्तान को पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था, ना ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट की मदद कर सकता था, ना वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट की मदद कर सकता था। और ये किसकी लीडरशिप में थे, ये थे सैम बहादुर, भारत के एकमात्र फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ओके। तो आज क्या हमारा विजय दिवस है, इस विजय दिवस में एक आपको मैं बताता हूँ, एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र लेने वाला वो व्यक्ति है। 21 साल की उम्र में उसने अकेले 5 टैंकों को छोड़ दिया था, उसके जो ऑफिसर थे, यानी सुपीरियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा आपके टैंक में आग लग गई, आप टैंक से बाहर निकल जाइए, कह रहा नहीं, जब तक मेरी गन चल रही है तब तक मैं नहीं मानूंगा। और जो आखिरी उन्होंने 5वां टैंक जो डिस्ट्रॉय करा था, उस टैंक को उन्होंने डिस्ट्रॉय करा, और उस टैंक ने इनको, जिसके गोले से इनका टैंक डिस्ट्रॉय हो गया था, और इन्हें वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी करवाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें कराया था रजत कंबोज, मैंने करंट अफेयर्स पूरा डिफेंस टेक, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह इस पर कराया था, ओके। अल्टरनेट करंट इज़ नॉट प्रेफरेबल, ओके। अल्टरनेट करंट किस लिए प्रेफरेबल नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो इन्वर्टर है या मोबाइल बैटरी है, इसको अगर स्टोर, इसमें अगर करंट स्टोर करना, तो कभी भी अल्टरनेट करंट से नहीं होगा, ओके। तो अल्टरनेट करंट जिसे हम एसी बोलते हैं, एसी डीसी, अल्टरनेट करंट बैटरी स्टोरेज के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। 19 बताऊं, फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये होता है, ओके। अगर देखते हैं अल्टरनेट करंट, और कभी क्वेश्चन आया कि आपका इन्वर्टर कौन सी लाइट पे चलता है, तो आपका किस पे चलता है, डायरेक्ट। अल्टरनेट करंट में फ्लक्चुएशन होती है ऐसे, और डायरेक्ट करंट एकदम सीधा होता है। अगर मैं थोड़ा डायग्राम बताऊं, इतना समय नहीं होता है इस क्लास में कि मैं आपको आपको एक्सप्लेन कराऊं, फिर भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूं मैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया ये, देखो ये मैंने आपके लिए स्पेशल है, आपको नॉलेज देना मेरा काम है, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, अगर आप सीरियस हो, सीरियस कैंडिडेट हो, जेनुअन प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये आपका CDS का बैच है, कंप्लीट बैच है, आपको और कहीं किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस, देखिएगा VD सर है जो खुद आर्मी में काम कर चुके हैं, आपके गोपाल सर हैं, मेरा, मैं तो आपको पढ़ाता ही हूँ, ओके। इसमें क्या है, ये आपका 3 घंटे का बैच होगा, डेली क्लास चलेगी, एक भी दिन नहीं छूटेगी संडे को छोड़ के, तीनों सब्जेक्ट कराए जाएंगे, 130 घंटे से अधिक की आपको क्या मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, और अगर बाई चांस अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डेड सेशन, लाइव क्लास में तो आप मेरे साथ क्लास करते हुए मेरे से क्वेश्चन से या जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ नहीं पूछ पाते।
पीडीएफ भी मिलेगी, बिल्कुल देखो ये लेक्चर्स पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही साथ सारी चीज़ कंसेप्ट अप्रोच और क्वेश्चन बेट्स और लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, और लेक्चर का पीडीएफ भी मिलेगा। ओके, आप क्या करें, आप स्टोर अड्डा पे जाओ और जाके ना इसका स्टडी प्लान दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टडी प्लान कि कौन से दिन आपकी कौन सी क्लास होगी, आप उसे कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी प्राइस लिखा होगा, अगर आप उस पे ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप उस पे ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। जी सर, चार्ज आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनियल चार्जेस है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी महंगा है बैच, लेकिन काफ़ी आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार जाके आप पहले स्टडी प्लान चेक करिएगा, उसके बाद जो भी उस पर प्राइस लिखा होगा उस पर एक कोड डाल के देखिएगा U191। अगर अप्लाई करने के बाद आपको सही लग रहा है बैच तो आप इसे बिल्कुल यूज़ करिएगा, और आपको डेफिनेटली मैं श्योर हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इसे बिल्कुल करिएगा। और यहाँ पर पूरी डेडिकेटेड टीम है जो आपको, और इसमें एक चीज़ आप बताऊँ, 24/7 आपके डाउट क्लियरिंग सेशन है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी समय हफ्ते के किसी भी दिन, रात को, दिन में, कभी भी आप अपनी कर सकते हैं। सौरभ तिवारी बिल्कुल एफकेट के लिए, कल सुबह 11 बजे देखना, कल एफकेट के लिए भी बताऊंगा। ओके, तो ये इस चीज़ को बिल्कुल यूज़ करेगा, और अगर आप ये करोगे ये समझ लीजिएगा, अगर आपको का पेपर फरवरी में जो कि CDS का है, अगर मैं देखूँ तो 2 महीने, और 2 महीने के मैं 60 दिन से डिवाइड करूँगा ना, तो 10 या 12 रुपये खर्चा आएगा आपका पर डे का, इतना है बैठ जाएगा आपका प्राइस। तो इसे प्लीज़ यूज़ करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, और इसे अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करिए, आपके फ्रेंड्स भी ये कोड को यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अनिल कुमार अग्निहोत्री जी, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टरनेट करंट इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर चार्ज स्टोरेज बैटरी। ओके, यानी आपके मोबाइल बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेट करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, अब देखो, एक आपको मैंने बताया था 0 केल्विन हीट का चैप्टर, मैंने आपको शायद नहीं पढ़ा मैंने हीट का चैप्टर, लेकिन एक मैं बताता हूँ, वही है ना, क्योंकि कंसेप्ट नहीं मिल पाता, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ आधी, मतलब कोशिश तो पूरी करता हूँ। 0 केल्विन, 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो, एक मिनट, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसमें क्या होता है, ये एक लैब में ही कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन किस में हो सकती है, लैब में। 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें होता क्या है ये देखिएगा, मतलब कोई भी वस्तु ना के मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, जैसे सन है 20 लाख डिग्री सेल्सियस। ओके, सन से भी बड़े तारे हैं जिनके करोड़ डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोई भी वस्तु या कोई भी मैटर 0 केल्विन से ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता, यानी किसी का भी टेम्परेचर -273 डिग्री से कम नहीं हो सकता। इतने टेम्परेचर पर पता क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम है, उनकी भी मूवमेंट रुक जाती है, यानी वो भी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं। तो जब उनकी मूवमेंट रुक जाएगी तो वो कंडक्टर किस बात का, वो किस चीज़ को कंडक्ट करेंगे। ओके ओके, वो कंडक्टर किस बात का, वो किस चीज़ को कंडक्ट करेंगे। ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। एक डाउट है, वापस फ्रेश शुरू से पढ़ाएंगे क्या? सौरभ तिवारी अभी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूंगा। अगर आपकी लाइव क्लासेस आप परचेज करेंगे तो उसमें आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी। अभी क्या होता है ना, ये मेरे पास टाइम शेड्यूल्ड होता है, इसमें मेरे को सही में बहुत वो रहता है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग, सॉरी लेकिन मैं आपको ज़रूर कराता, विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर दी सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर आपके किससे बनते हैं? सेमी कंडक्टर आपके सिलिकॉन से बनते हैं और जर्मेनियम से बनते हैं। किससे बनते हैं? सेमी कंडक्टर आपके सिलिकॉन से बनते हैं और जर्मेनियम से बनते हैं। ओके, और आपका उसमें ना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को डायरेक्टली फैकल्टी से भी पूछ सकते हैं। और एक आप अड्डा की अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक नया फीचर भी हमने जोड़ा है डाउट, उसमें आप कोई भी डाउट डालेगा, जो भी अड्डा 24/7 की फैकल्टी होगी वो उसका आंसर देगी। जैसे मैं भी कई बार GS के अलावा इंग्लिश के आंसर दे देता हूँ, जिसकी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके, आप स्टोर अड्डा की वेबसाइट पर जाके सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही नॉमिनियल है, ये समझिएगा, बस क्या समझिएगा, आपका देख लीजिएगा एक बार, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ओके, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज़ होते हैं, चलिए बताइएगा। ओके, क्लास ज्वाइन करने के बाद, हाँ
हाँ बिल्कुल, वहाँ पे अगर कोई भी आपका आपका डाउट होगा ना, उसे वहीं क्लियर करूँगा, नहीं होगा तो आपके पास फैसिलिटी होगी मेरे से बात करने की। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो आपके पास फैसिलिटी होगी, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप में ऐप नहीं मिल रहा, ओके ऐप नहीं मिल रहा, अगर एक मिनट, अगर कोई ओके आपके इसके लिंक में आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डालिए @247। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि अगर बच्चों को ऐप का लिंक नहीं मिल रहा तो प्लीज़ ऐप का लिंक डाल दें इसमें। ओके, @247 आप गूगल पे डालिएगा, इसमें अपने आप को रजिस्टर करिएगा, इसमें अपने आप को क्या करिएगा, रजिस्टर करिएगा, जिसमें आपको ओके बिल्कुल वो तो पता, इसमें अपने आप को रजिस्टर करिएगा और उसी में ही आपको क्या होगा, एक डाउट सेशन भी मिलेगा। और अगर आपको बैच परचेज करना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं लास्ट में दिखा देता हूँ, लास्ट में होना चाहिए। ओके एक सेकंड, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ से बैच परचेज करना है। एक बार सर आप ही लगा दीजिएगा एक बार स्टोर एड्रेस पे, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखिएगा ये, आप इस पे जाके यूज़ कर सकते हैं। किस पे जाके, इस पे store.adda247। ओके, और इस पे आपको अगर कोई भी डिस्काउंट ले रहा हो तो आप ये कूपन कोड के साथ इस डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस बीच हमारी टीम आपको लगा के दे देगी जहाँ से आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स ए गामा एमिटिंग रेडिएशन आइसोटॉप्स और नॉट। अगर किसी में गामा रेडिएशन का पता लगाना है तो उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेलियन काउंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलियन काउंटर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है और मैं आपको बिल्कुल काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा करा सकता हूँ। भैया आप लोगों का एक सपना सबका होगा, वेल्लोर और विजडम, IMA, वीरता और विवेक, वहाँ जाने का, वहाँ चैटवुड बिल्डिंग में। अभी मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है वहाँ पे, अभी उसका जून में है उसकी पास आउट। तो देहरादून में आपका क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग, हिमालयन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, उससे आगे जाके चक्राता चौक पड़ता है, चक्राता चौक से लेफ्ट लेंगे तो IMA पड़ता है। बिल्कुल ओके सर, प्लीज डोंट माइंड, मैं फिर पूछूंगा। लगा दो, लगा दीजिएगा। आज जो स्टडी बैच शुरू कर रहे हैं वो वापस फिर सबसे कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसमें सारी चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाएगी। ये देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है वो देखिएगा, आप adda.store.adda247 सर्च करेंगे, उसमें आप डालिएगा ऑपरेशन CDS, उसमें आप डालिएगा ऑपरेशन CDS। इसे जब आप बाय नाउ करेंगे, इसे आप नीचे करिएगा सर, थोड़ा नीचे 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 करिएगा, नीचे जहाँ पे स्टडी प्लान वगैरह लिखा हुआ है नीचे करिएगा, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको CDS कंप्लीट बैच है, एग्ज़ाम कवर्ड लिखा हुआ है सारा, 27 दिसंबर से शुरू होगा, 2:30 से 5:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। और नीचे करिएगा सर, इसमें इसमें देखिएगा सब्जेक्ट कवर्ड, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश। ओके बिल्कुल, अंतिम पग लेना है तो पहले इस पग को लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, और कोई कुछ नहीं, सब्जेक्ट का GA भी कराई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 130 घंटे से अधिक की क्लासेस मिलेंगी लाइव, यानी आप मेरे साथ 130 घंटे जुड़े रहेंगे, 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, स्टडी प्लान आपका जल्दी इसमें अपलोड हो जाएगा। और इसमें आपका स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा देखिएगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लेक्चर PDF। आप इस बैच को क्यों ज्वाइन करें ये देख लीजिएगा, आप इस बैच को यूँ ज्वाइन करें क्योंकि एक वेल स्टडी प्लान है जो हम जैसे एक्सपर्ट टीचर जिसे बनाएंगे, 24/7 जो मैं बता रहा था आपका डाउट सेशन, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आप 24/7 देख सकते हैं, और ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बताएगा। खास बात यह है कि क्लास बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, स्टडी मटेरियल आपका मेनली इंग्लिश में होगा, और आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे और कर दीजिएगा सर, ऊपर देखिएगा, यहाँ आपकी सारी फैकल्टी, जीवेश कुमार मेरा नाम है, मैंने अपने बारे में बता दिया, नीचे आपके VD सर हैं जो खुद CDS को क्वालिफाई कर चुके हैं, क्लैट को, और उनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नीचे आपके गोपाल शर्मा सर हैं जिन्होंने CPA, CPO, NDA और CGL की प्रिपरेशन यानी एग्ज़ाम निकाला हुआ, और इनके पास भी 10 साल से क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसकी इस बैच की वैलिडिटी क्या है, आपकी 4 मंथ की है,
और इसके बाकी सारे प्रोसेस है, अगर ऊपर करेंगे सर एक बार, या ये नीड हेल्प का जो ऑप्शन है ओके उस पर जाके आप कर सकते हैं। सर नीचे करिएगा और ये जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है ये देखिएगा, आपको जो इसमें प्राइस दिखा रहा है 1999, ये तो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। अगर इस पर आप ये कोड यूज़ करेंगे U लिखिएगा, U191 जो मैंने आपको बताया था, U191 अगर इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप में से इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इसे करिएगा। फिर ये 27 दिसंबर से हमारा रेगुलर बैच चलेगा, 3 घंटे की क्लास होगी जिसमें पूरी हर एक चीज़ को कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज, जैसे ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करा जाएगा, मैथ में परसेंटेज चल रहा है परसेंटेज को, इंग्लिश में जो नाउन है फिर उनका प्रैक्टिस कराया जाएगा और उनके आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो ज़रूर इस चीज़ को अवेल करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सिचुएटेड देहरादून में, और अगर आपको ये परचेज करना हो तो आप ये U191 कोड जरूर यूज़ करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलर इन ए टेलीविजन, जो टेलीविजन में 3 ही कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं टेलीविजन में, कलर रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं। टेलीविजन में कौन कौन से कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू कलर होता है केवल टेलीविजन में। इनके कॉम्बिनेशन से हमें जो आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी इसी तरीके से देख पा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड एनीमियोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है, किसके द्वारा मेजर की जाती है, एनीमियोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे यूज करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से हम यूज करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी, हाइग्रोमीटर से तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर से, और विंड वेन से विंड डायरेक्शन को पता लगाया जाता है, विंड डायरेक्शन का पता लगाया जाता है ओके। चलिए ए फोर्स एस एक्स वाई ग्रुप का क्लासेस जो है अभी ए फोर्स एक्स वाई ग्रुप की भी इसमें ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ए फोर्स में जो होता है ना एफ कैट वाले से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ए फोर्स एक्स वाई ग्रुप में जो आते हैं वो जीएस उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो थोड़े इजी होते हैं, लेकिन अगर आप एफकेट का करेंगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, उसका हम एनडीए के साथ भी कर सकते हैं। फैदोमीटर, फैदोमीटर जो यूज़ होता है वो किसको मेजर करने के लिए होता है, डेप्थ, समुद्र की गहराई, पनडुब्बी में लगता है। बैरोमीटर अभी बताया आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करना है, हाइग्रोमीटर आपको बताया वो ह्यूमिडिटी, और एल्टीमीटर आपका कहता है हाइट, जब पैरा जंप करते हैं ना तो हाथ पे यहाँ बंधा होता है अल्टीमीटर, जैसे कि हमें कब प्रेशर शूट खोलना है, 3000 मीटर के बाद खोलो या ना खोलो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा ठीक है, इसलिए वो 3000 मीटर से पहले ही खोलना पड़ता है। जो अगर SF होते हैं ना स्पेशल फोर्सेज, उनकी दो पैराशूट जंप टेक्निक होती है, एक होती है हेलो और एक होती है हाओ, आप मैं लिख देता हूँ हेलो जंप और एक होता है हाओ जंप, आप ये यूट्यूब पर इसे देख लीजिएगा, एक होता है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और एक होता है हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, इन दोनों को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज को काफ़ी ऊंचाई पर लिया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है और वहाँ से वो कूदते हैं और एकदम ज़मीन के पास आके अपना क्या खोलता है, पैराशूट खोलता है, इससे वो रेडार में नहीं पकड़े जाते। हाँ हो क्या होता है कि रेडार में बिना आए काफ़ी दूर पहले ही कूद जाते हैं हाइट पर और धीरे धीरे फ्लोट होकर पहुँचते हैं ओके। जी हाँ बिल्कुल, दोबारा क्लास चलाएं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स जो होता है ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है ओके, F इज इक्वल टू एम इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, क्या आता है फोर्स M इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ओके। चलिए आइए है आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि भाई ड्यू टू डेथ ऑफ टाइम, टाइम की वजह से 45 मिनट्स में CDS की प्रोफेशन के लिए इनसफिशेंट टाइम मिलता है, इसी वजह से मैंने आज आपको एक बहुत अच्छा बताया, इसमें पहले ही काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और फिर हमारी इसमें क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बन जाती है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर आपको मैं बताता हूँ। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट 30 मीटर बैंड, ये एक फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन एल, इसमें सी तो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इससे हम क्या लगता है वेव लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं वेव लेंथ, तो 30 मीटर का होता है ना तो इसे हम एन निकालेंगे, वेव लेंथ स्पीड ऑफ लाइट होती है 10^8 और L क्या हो गया हमारा लेंथ हो गई। अब इस तरीके से अगर इस जीरो से यूज करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 10 मेगा हर्ट्ज।
सर एफकैट सीडीएस दोनों के लिए ज्वाइन करना होगा, दोनों में कंफ्यूज हूँ, क्लास भी एक साथ होगी? नहीं, क्लासेस का टाइमिंग अलग होगा, क्लासेस का टाइमिंग अलग होगा, आप पहले सीडीएस का कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको हमारी सर्विसेज या आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो आप एफकैट का भी यूज़ कर लेगा। उसमें भी आप ये U191 कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार चलेगा, और आपने आप फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक बार मैं फिर से और आपको बता दूं, आज की क्लास तो केवल इतनी ही थी, ठीक है? तो ये देखो, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, अगर आपको एफकैट के बारे में जानना है तो एफकैट के बारे में कल सुबह 11 बजे बताऊंगा, 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, लेक्चर पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको लेक्चर मतलब बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल वो पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ो उसे, ओके? तो ये सारी चीज़ है, और साथ ही बात बताओ तो कहाँ से मिलेगा, स्टोर अड्डा पर विजिट करो, वहाँ से इसे आप देख सकते हो, और इस U191 कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके? तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe under 24/7 and press the bell icon.